गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का समय और मैं ये चाय बना रही हूँ सभी लोगों के लिए। उसके बाद टिफिन बनाऊंगी। दोस्तों, ये मैंने धनिया बारीक बारीक काट लिया है और इसमें ये मैंने आलू जो उबाल रखे हैं इसमें मिला दूंगी और इसमें ये लहसुन और अदरक का जो मैंने पीस रख लहसुन और मिर्च पीस रखा है हरी, ये भी इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे हिसाब से अपने अनुसार। ठीक, और बस इसको मिला देंगे। तो मैं इसे अपने हाथों से ही मिला देती हूँ। दोस्तों, ये मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब चलेंगे हम आटा गूंदने के लिए। तो आटा गूंद करके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आटा गूंद लिया है मैंने, इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। दोस्तों, कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फुल वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो बस ये नाश्ते का ही मैंने वीडियो बना दिया। ये अपने 2 बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ और मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोग देख लीजिए। और आपको एक भजन ज़रूर सुना दूँगी सुबह सुबह। तो ये ना आने से पहले का सुबह सुबह का ही समय है, सुबह 6 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे मैं टिफ़िन बना रही हूँ क्योंकि इन लोगों का बस 7 ही बजे आ जाता है। तो इसीलिए एक बच्चा टिफ़िन लेके जाता है, एक खा के जाता है क्योंकि एक कॉलेज जाता है और एक स्कूल जाता है, इसीलिए। तो ये हमारा पराठा है। तो छोटे छोटे पराठे बना देती हूँ ताकि टिफ़िन में आराम से चला आ जाए और बच्चों को भी खाने में अच्छा लगे। तो मैं आप लोगों को एक भजन सुनाना चाहती हूँ शंकर जी का, क्योंकि मैं उन्हीं की बहुत पसंद करती हूँ उनको। तो मैं उन्हीं का ही भजन सुना देती हूँ सुबह सुबह। और तो कुछ इच्छा नहीं हो रहा है खैर, और पराठा बनाते बनाते, तो आप लोग सुनिए मेरे भजन को और बताइए कैसा आपको लगा। बोले तेरे चरणों की शंकर, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ। ये दोस्तों सरसों का तेल, आलू पराठा में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये मैं अपने बच्चे की सुबह सुबह टिफिन बना रही हूँ। तो दोनों तरफ हम तेल लगा देंगे और इसे अच्छे से सिकाई कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा हो चुका है। तो दोस्तों देखिए इसी तरह सारे पराठे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये सारे मैंने पराठा बना लिए हैं, अभी टिफिन में पैक करूँगी। और ये टमाटर की चटनी जो घर पे बनाया हुआ है मीठी चटनी, तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वीडियो को दोस्तों में एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए जुड़े सब्सक्राइब कीजिएगा।